प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो के रियल एस्टेट ट्रेनिंग और रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है रियल एस्टेट से थोड़ा हटके है। मैंने ये लिखा है, रोने के बिना माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो ये दोस्तों, ये मैंने कहाँ से, मैंने चैप्टर मेरे को दिमाग में है, ये मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं दो। एक तो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो किसने लिखी, डेविड जे सक्वार्ट्स ने लिखी है, और दूसरी किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, रिच डैड पुअर डैड चैप्टर टू में जो लेखक की अपने रिच डैड से बात होती है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आप जितने, यदि आप ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हो तो आपकी कोई बंदा मदद नहीं कर सकता। यदि आप सेटिस्फाइड हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो। स्टैग्नेंट का मतलब आप रुक गए, आपकी विकास रुक गई। तो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ज़िंदगी में सेटिस्फाइड नहीं होना। सेटिस्फाइड होना जो धार्मिक पंडालों में ही अच्छा लगता है, जहां धार्मिक प्रवचन हो रहे हों वहां पर ये शब्द चलते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहो, ज़्यादा की लालसा मत करो, ये करो वो करो, चादर देख के पैर पसारो, ये आपकी किस्मत ही ऐसी है, आप सारी उम्र गरीब ही रहोगे। ये बातें चलती हैं धार्मिक पंडालों में। मैं धार्मिक पंडाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमने जो ये दो, मैंने दो बातें आपको लिखी है बोर्ड के ऊपर, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये दो सच्चाई हैं उनकी ज़िंदगी की घटनाएं हैं। उसमें ये डेविड जे सक्वार्ट्स कहते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में पेज 28 पर कहते हैं कि जब मैं सर्विस में था, नौकरी जॉब करता था, तो मेरे को, मैं अपने दोस्तों से काफ़ी पैसे कम कमा रहा था, जबकि मैं उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो इनकी एक इंटरव्यू आई, तो इंटरव्यू देने के लिए गए, इंटरव्यू में इनकी बातचीत हुई रात को, मतलब ये कहते मैंने सोचना शुरू किया रात को, मेरे को सोचते सोचते 3 बज गए, सुबह इंटरव्यू है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों से इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी पीछे क्यों हूँ। तो उसके फिर दिमाग में आई कि मैं इसलिए पीछे हूँ कि मैंने ज़िंदगी में मांगा ही कुछ नहीं, मांगा जितना मांगा उतना ही मिला, जितना मैं मांगता रहा हूँ उतना मेरे को मिलता रहा है, और जितना मैंने मांगा है उसमें मैं सब दोस्तों से पीछे रह गया। रोए बिना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, तो ये लोगों ने मेरे को मेरे से ज़्यादा पैसे कैसे देने हैं। तो कहते फिर रात को 3 बजे, उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने रात को 3 बजे फैसला किया कि कल जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो $700 पर मंथ की इंटरव्यू थी, कि $700 मिलेंगे। तो कहते मैंने रात को फैसला कर लिया कि मैं सुबह जाके $3500 मांगूंगा, यदि मेरी सिलेक्शन होनी हो जाए, नहीं होनी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे दिन जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं कि ये बात है, मैं, मेरे को इतने पैसे चाहिए। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो एक बार सोच के, दो बार सोच के करता है कि यार इस बंदे में कुछ ना कुछ तो दम है, तो दम है तो उसको $3500 की ही जॉब दी जाती है। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी उसने यही लिखा है कि जब तक आप सोचोगे ही नहीं, बड़ा सोचोगे ही नहीं, बड़ा करोगे ही नहीं, तो फिर आपको बड़ा मिलेगा कैसे। गुरबानी में भी यही कहा है, बहुता कहिए बहुता होए, मतलब जितना बड़ा कहोगे उतना बड़ा होगा। जब आप बड़ा कहोगे ही नहीं तो फिर आपको बड़ा मिलेगा भी नहीं। यदि हम धार्मिक एंगल से भी देखें तो परमात्मा के घर में क्या नहीं है, क्या नहीं घर तेरे, पंजाबी में मतलब हमारी गुरबाणी में तुक है, क्या नहीं घर तेरे, मतलब तेरे घर में तो सब कुछ है, लेकिन हम मांग ही नहीं सकते। जब तक हम मांग ही नहीं सकते तो फिर हमें मिलने वाला भी कुछ नहीं। तो यदि हम ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है तो हम ज़िंदगी में स्टैग्नेंट है, और स्टैग्नेंट वाटर लूजेस इट्स प्योरिटी, जो पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, खड़ जाता है, उसमें से कहीं ना कहीं बदबू आनी शुरू हो जाती है।
दूसरी उदाहरण रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर टू। ये रिच डैड पुअर डैड के जो दोस्त है अपना, एक तो ऑथर है इसमें, एक माइक है, इनको इनके रिच डैड ने मिसेज मार्टिन के नीचे काम के ऊपर लगा लिया। मतलब मिसेज मार्टिन की देख रेख में ये लोगों को काम करने पे लगाया। पैसे कितने देने थे? 10 सेंट, 10 सेंट देने थे और 10 सेंट देता गया और वो काम करते गए। तो कमिटमेंट फादर की, रिच डैड की क्या थी कि मैं आपको ये काम सिखाऊंगा, पैसा कैसे कमाना ये सिखाऊंगा। तो कहते जी वो जितनी देर चलते रहे, एक दिन उनके दिमाग में आया, बच्चे छोटे थे, कि यार ये तो हमारा जो फादर है, हमें तो जितने हमारे से काम ले रहा है उतने तो पैसे देता ही नहीं है। तो एक दिन उन्होंने फिर उनसे टाइम मांगा और टाइम मांग के फिर उसने कहा कि यार भाई रिच डैड, यू आर एक्सप्लॉइटिंग अस, कि आप हमें, आप तो हमें, हमारा शोषण कर रहे हो। वो कहता क्या शोषण कर रहा हूँ, जितना मैंने पैसा आपके साथ कमिटमेंट किया है क्या उसका उतना पैसा नहीं मिल रहा? कहता मिल रहा है। तो क्या मतलब आपको, मतलब और मैंने कोई परेशान किया है, तंग किया? कहते नहीं किया। तो फिर मैं आपको क्या कहाँ मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ? वो कहते जी काम हमारा ज़्यादा है और पैसे हमारे कम है। तो इसका कहते रिच डैड कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ? यू आर नॉट सेटिस्फाइड? कहते यस हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कहता दिस इज माई फर्स्ट लेसन, यही मेरा फर्स्ट लेसन था कि यदि आप जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आप को कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ाएगा। आपकी जो वेजेस हैं, आपके जो सैलरी है, आपकी जो मेहनताना है, वो कोई बंदा नहीं बढ़ाएगा यदि आप जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो आज तो हम देखते हैं पंजाब में या इंडिया में कितने लोग हैं टंकियों पर चढ़े हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? पे हाइक के लिए, कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारी आमदन बढ़ जाए। यदि आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड ही होगे तो फिर आपकी आमदन कहाँ से बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू स्टैग्नेशन, ये मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड में लिखा है कि यह जो आदमी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो गया वो रुक गया, और जो रुक गया वो मुक गया। मतलब मुकना होता पंजाबी में ख़त्म हो जा, जो रुक जाता है वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो जाता। सो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ को सामने रख के कोई ऐसा समझौता नहीं करना कि आप एक जगह पे टिके रहें। मैं आपके सामने हूँ, मैंने सरकारी जॉब करी, फिर उसके बाद करी, पहले प्राइवेट में था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो आता गया, जॉब करता गया, जॉब छोड़ता गया, आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहता तो मैं आज बैंक में ही जॉब कर रहा होता, या उसके पहले टेलीफोन एक्सचेंज में ही नौकरी कर रहा होता, या उसके पहले मैंने प्राइवेट काम किया, प्राइवेट फैक्ट्री में ही मैं काम कर रहा होता। मेरे साथ के बंदे अभी भी शायद फैक्ट्री में लगे होंगे। वो फैक्ट्री में इसलिए हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं। हम ज़िंदगी में, मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा इसीलिए मैं बार बार बदलता चला गया। थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना ही चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है जो बंदे की, हर बंदे की होती है, उसको लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। और रिस्क लेके यदि आप उसको मैनेज कर लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो, तो फिर मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड में लिखा है रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज। रिस्क को मैंने लिखा है, रिस्क RIS के चार स्पेलिंग है ना, चार अक्षर है। रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर गेटिंग नॉलेज, नॉलेज लेने के बाद ये आपको रॉयल इनकम देती है चीज। रिस्क को यदि हम कवर कर लेते हैं, रिस्क को हम मैनेज कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल था, दिल भी कर रहा था कि आपको, आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैं खुद इन दोनों किताबों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, और इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर आप इसको लाइक करके, शेयर करके चर्चा कर लेना जरूर। यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा देना। कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए फिर कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स इतने बढ़िया आते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिलती है। मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत बागो बाग हो जाता हूं, और उतना ही मेरा दिल करता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर की जाए। तो मैं जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं
आपसे सीखता हूँ, किताबों से सीखता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये नॉलेज शेयर करने का, मैं आपको कोई कुछ नहीं पढ़ाता। आज के लिए इतनी, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलता हूँ जल्दी, थैंक यू वेरी मच।